हेलो गाइस, तो ये है सोलर पावर इरिगेशन मॉडल प्रोजेक्ट। तो ये स्कूलों में बच्चों के द्वारा बनाया जाता है और क्लास 6 to 8 इसे बनाना कंपलसरी होता है। ये साइंस का प्रोजेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। और तो चलिए फटाफट से मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया है ये साड़ी का बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, और ये इजीली सबके ही घरों में मिल जाता है। और इसके अंदर मैंने लगा दी है ये थर्माकोल की शीट इसको फिल करने के लिए। और इसके बाद मैंने इसको सेलो टेप की मदद से अच्छी तरह से इसे जोड़ दिया है। इसके बाद मैंने इस पर लगाए हैं कुछ पेपर, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन। और पास ही यहाँ पर मैंने एक इसके साथ वॉल भी अटैच कर दी है, ये भी कार्डबोर्ड से बनाई है। इसके ऊपर मैंने ब्लू पेपर चिपकाया है इसको स्काई का लुक देने के लिए। उसके बाद मैंने तैयार किए इसमें लगाने वाले ऑब्जेक्ट, जैसे सोलर पैनल और पंप इत्यादि। इसे पेपर से कवर करके मैंने इसके साथ इस पर अटैच कर दिया है इसे। फिर मुझे बनाना था इसमें एक छोटा सा गार्डन, जो कि मैंने पेपर की ट्यूब बनाकर इसे चारों तरफ से कवर कर दिया है। उन वाइट पेपर की ट्यूब पर फिर मैंने कलर किया है इस पर ब्राउन, जिससे इसकी जो मेड़ होती है ये बनाई है। उसके बाद मैंने लगाए छोटे छोटे ट्री, जो कि इसको बहुत ही अच्छा लुक दे रहे थे। चलो अब ट्री भी लग गए, अब जल्दी से फटाफट सन लगाते हैं और क्लाउड्स लगाते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया है येलो कलर का सन, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब स्काई में खाली सन थोड़ा ही होता है, इसमें बादल भी होते हैं, तो मैंने कागज के 3D बादल भी बना दिए हैं। कैसे लग रहे हैं आपको? फिर मैंने वे सभी पैनल्स और पंप और ये सभी वाटर टैंक, ये सभी मैंने इसमें जोड़ दिए। और हाँ, मैंने जो गार्डन में थोड़ी खेती भी कर दी है गोभी की, तो देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके बाद मैंने इसे रियल दिखाने के लिए थोड़ा सा वायरिंग की है और पाइप लगाए हैं, जो पानी को शो करते हैं कि इस तरह से पंप से पानी ग्राउंड वाटर से लिया जा रहा है और खेतों में डाला जा रहा है। तो गाइस, फटाफट से कमेंट करके बताइए आपको ये हमारा सोलर पावर इरिगेशन प्रोजेक्ट मॉडल कैसा लगा।